जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओआरओपी 2 पर आया अपडेट, मंडे तक हो सकती है लिस्ट जारी इस मामले पर। और स्पर्श दे रहा है टेंशन बजाय पेंशन के, इन दोनों ही वायरल न्यूज़ों पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ORP 2 अपडेट्स। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द ORP फाइल इज नाउ सेंड टू CGDA बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री विद सम डिटेल्स फाइल नोटिंग फॉर सम मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन टू बी डन बाय CGDA। 1 week टाइम इज गिवन टू CGDA एंड सेक्रेटरी वांटेड द फाइल बैक विद हिम फॉर फर्दर एक्शन अकॉर्डिंग टू DESW। ORP 2 चार्ट इज एक्सेप्टेड बाय नेक्स्ट मंडे सोर्स। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो फाइल ORP की है वो फाइल अब CGDO को भेज दी है, यानी कि कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट को भेज दी गई है, तथा उन्हें 1 week का समय दिया गया है कि आप चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं, तथा आफ्टर दैट आप CGDA इस फाइल को हमें यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दें, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस फाइल को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेज सके और मंडे तक इसकी अधिसूचना जारी की जा सके, जिसमें ORP 2 का रिवीजन टेबल और एरियर का चार्ट शामिल है। ये एक वायरल मैसेज है। इस वायरल मैसेज की सच्चाई का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है और ना ही मैं इसके ऊपर दावा करता हूँ कि ये सच है। इसमें जो चेन ऑफ प्रोसीजर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम सब फौजी हैं, हम सबको पता है चेन ऑफ प्रोसीजर्स क्या होता है, और इसमें जो चेन ऑफ प्रोसीजर्स फ्लो किया गया है या दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है। दूसरा वायरल मैसेज है ये, पेंशनर्स को पेंशन नहीं टेंशन दे रही है स्पर्श। TCM कंपनी प्रयागराज में वीर सेनानी पूर्व सैनिकों की कल्याण समिति प्रयागराज के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों व रक्षाकर्मी पेंशनर्स की एक बैठक तपोवन पार्क प्रयागराज में श्याम सुंदर सिंह पटेल संस्था संरक्षक के नेतृत्व में हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों व रक्षाकर्मी पेंशनर्स ने चर्चा की कि ये स्पर्श जो है ये हमें किसी भी तरह से सही नहीं लग रहा है। इसमें हमें बजाय टाइम से पेंशन मिलने के उल्टा हमें टेंशन दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। मतलब कुल मिला के पेंशनर्स इसमें परेशान हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेगेसी पेंशन सिस्टम में सीधा बैंक में जाता था पेंशनर, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता था और बिना टेंशन के अपने पेंशन लेके ज़िंदगी बसर कर रहा था, अपने बाल बच्चे पाल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। स्पर्श के आने के बाद में अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो फाइनली सभी पेंशनर्स ये चाहते हैं कि स्पर्श को कुल मिला के हटा दिया जाए। मैं मानता हूँ कि नए सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ होती हैं और इस सिस्टम को जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दे रखा है उसमें टाइम अभी लग रहा है, वो परिपूर्ण नहीं है, उसको कई अपडेट वर्जन्स की ज़रूरत है, उसके बाद वो इस काबिल हो पाएगा कि सभी पेंशनर्स को ऑन द टाइम पेंशन दे सके। अभी ये प्रॉब्लम्स जो हैं पोस्ट 2016 पेंशनर्स के लिए हैं, प्री 2016 पेंशनर्स का क्या होगा गॉड नोज। तो दोस्तों, बने रहिए इस तरह के वीडियोस के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली 1&1 ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।